बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी पहले की तुलना में अच्छी बनी हुई है और अभी भी अच्छी बनी रहेगी। संतान को लेकर के जो तनाव था, जो चिंता थी, वो चिंता भी दूर होगी। इस समय आपके करियर में, खास तौर से आपकी नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत बेहतर हो तो माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, व्यापार में आपको फायदा होगा। संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे, हल होंगे और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, यानी दिन आपका बेहतर बना रहेगा। अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन का नुकसान इस समय हो सकता है, पैसे के नुकसान से बचें। हालांकि किसी मित्र की सलाह से और किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। एक लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य अपेक्षाकृत कमजोर हो। कर्क राशि, आपके पैसे की मुश्किल अब दूर होनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपके पैसे की मुश्किल दूर होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा और इस समय अगर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं तो उसका सही समय चल रहा है। माँ लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की तमाम मुश्किलें आपकी हल होने वाली हैं, धन की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। लेकिन इस समय ये बात याद रखिएगा कि काम बहुत ज्यादा होगा, काम की अधिकता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय आपकी हल हो जाएंगी। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में अगर कोई परिणाम आने वाला है तो वो परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि देखिए, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत में आपके लिए थोड़ी समस्याएं इस समय दिख रही हैं। करियर में भी दिक्कतें हैं, करियर में प्रेशर बहुत है और बेवजह के विवाद हो सकते हैं और परिवार में भी विवाद हो सकते हैं, उस पर भी इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को चढ़ा दें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला के उत्तम रहने वाली है।
पारिवारिक सहयोग इस समय आपके साथ बना रहेगा। तो दिन आपका अच्छा है, मां लक्ष्मी की उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में छोटे मोटे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। धन की स्थितियां आपकी बेहतर बनी रहेंगी, धन का लाभ होगा आपको, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। अगर आप मां लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में आपको लाभ होता दिख रहा है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई फायदा इस समय आपको होगा। नौकरी में आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, पैसा भी बढ़ेगा और पोजीशन भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा, यानी दिन बहुत अच्छा है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। धन के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं और काम इतना ज्यादा है कि उसका प्रेशर आपको महसूस हो सकता है। क्या करेंगे, एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मान सम्मान और उपहार की प्राप्ति होती दिख रही है। करियर के मामलों में आपको इस समय सफलता मिलेगी और रिश्तों में जो दिक्कत आ गई थी, प्रेम प्रसंग में, रिश्तों में, वो मामले आपके सुलझ जाएंगे। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।